हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण सभी को। तो हम आज बात करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजानी क्यों छोड़ी थी। श्री कृष्ण जी कहते हैं हर काम का एक कारण होता है, बिना कारण के कोई काम नहीं होता। श्री कृष्ण जी के बांसुरी छोड़ने का भी एक कारण था। बात उस वक्त की है जब श्री राधा रानी जी आखिरी वक्त में श्री कृष्ण जी से मिली और उन्होंने श्री कृष्ण जी से आग्रह किया कि वो अपने आखिरी वक्त में द्वारका में रहना चाहती है उनके पास। तो श्री कृष्ण जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया कि आप द्वारका में रह सकते हैं। श्री कृष्ण जी उस समय राधा रानी का मन का भाव जान गए थे कि अब ये राधा रानी जी सृष्टि को त्यागना चाहती हैं, इस मोह माया से दूर जाना चाहती हैं। श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से उनकी आखिरी इच्छा जाहिर करने को कहा। तो श्री राधा रानी जी बोले कि मैं आखिरी वक्त में आपकी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय बांसुरी बजाना शुरू कर दी और बांसुरी की धुन सुनते सुनते श्री राधा रानी जी ने शरीर त्याग दिया और इस संसार को छोड़कर चली गई। तो उनके छोड़ने का गम श्री कृष्ण जी को इतना भयंकर लगा कि उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि आज के बाद बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा रानी के लिए ही बांसुरी बजाते थे और श्री राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण जी ने बांसुरी भी बजाना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें।